हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत करता हूँ पावर ऑफ इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टी फंक्शन मीटर का, स्नाइडर कंपनी का है, कंजर्व EM6400 है, उसका मेक है EM64, उसका मॉडल नंबर है। उसमें पैरामीटर्स कैसे चेक करते हैं एंड CTPT का रेशियो कैसे डालते हैं, आज हम लोग फुल ऑल डिटेल में फुल देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो आप लोग देख सकते हैं ये मल्टी फंक्शन मीटर है। ठीक है, ये हमारा ST पैनल है, BCP का पैनल है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा ST पैनल है। ये उसका मोटर है। ठीक है, ये कोल मिल का मोटर है, आप लोग देख सकते हैं नीचे, ये कोल मिल का मोटर है। ठीक है, 440 किलोवाट का है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल कंजर्व EM6400 है। ठीक है, मॉडल नंबर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्लाइडर का है। ठीक है, मेक। तो फिर हम लोग इस पर कैसे चेक करेंगे, अभी मान लीजिए हम लोग को इसको रनिंग किलोवाट एम्स कितना पावर फैक्टर चल रहा है एंड KWS कैसे चेक करेंगे, वो हम लोग पहले ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंटर करने के लिए है, ये अप ऊपर जाने के लिए है, डाउन वाला जो एरो है ये नीचे जाने के लिए, ये राइट ये लेफ्ट है। ठीक है, आप लोग इसके सहायता से हम लोग सब करेंगे। ठीक है, अंदर अंदर ऊपर नीचे साइड में कैसे जाते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं इस पर क्या क्या पैरामीटर से ओवरव्यू पहले एक बार देख लेते हैं। इसको देखने के लिए जो एंटर वाला जो है इसको क्लिक कीजिए, एक बार क्लिक करें मतलब RMS जो आता है, रूट मीन्स स्क्वायर, इसका मीन्स है। ठीक है, तो फिर से एक बार क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं ये वोल्टेज, लाइन वोल्टेज अभी कितना है, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो लाइन वोल्टेज है 6.6 6600 वोल्ट अब ये शो कर रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और एम्स अभी कितना चल रहा है, एम्पियर एम्स चल रहा है 35 एम्स 35-34 का फ्लैक्चुएट होता है, आपको तो पता है। ठीक है, अभी हम लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक पावर फैक्टर है। ठीक है, 0.8 पावर फैक्टर अभी चल रहा है हम लोगों को। ठीक है, अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। फिर से इसको क्लिक कीजिए, फिर से इसको क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप लोग ऊपर देख सकते हैं ये फेज वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज LN जो आ रहा था ना, ये फेज वोल्टेज है। फेज वोल्टेज हमारा होता है 3800। ठीक है, ये देखिए ये एम से वही शो कर रहा है, नीचे जो है F जो नीचे जो शो कर रहा है ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद फिर से आगे चलते हैं, इसको करके हम लोग आगे जाएंगे, फिर से क्लिक कीजिए, इसको फिर से क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ये URV है। ठीक है, ये वाट, यहाँ पे वाट शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाट शो कर रहा है, अभी कितना किलोवाट में चल रहा है। ठीक है, 440 किलोवाट का मोटर है, 333, 332, ऐसा ये इतना किलोवाट में रनिंग किलोवाट इतना शो कर रहा है। ठीक है, फिर से आगे इसको क्लिक करना है, फिर से इसको क्लिक करना है। ठीक है, ये पावर फैक्टर 1, 2, 3 फेज का यहाँ पे शो कर रहा है, 0.8, 0.8, 0.8। ठीक है, फिर से इसको देखना है आगे, फिर से क्लिक करना है, इसको फिर से क्लिक कीजिए। ठीक है, ये सब डिफॉल्ट सेटिंग है। ठीक है, जैसे डिफॉल्ट सेटिंग है इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे, वो नॉर्मल फिक्स होके आते हैं। ठीक है, ये सब डिफॉल्ट सेटिंग है। ये जो है WW मतलब WH जो है वाट आवर, जैसे हम लोग कितना एनर्जी कंजप्शन हुआ है यहाँ से कैलकुलेट होता है, जो फाइनल जो होता है ना KWS, ये हम लोग ये वाट आवर में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये फ्रंट पेज है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जितना डेटा ओवरव्यू हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर में CT जो है इसका रेशियो कितना डाला हुआ है, PT का रेशियो कितना डाला हुआ है, अभी हम लोग वो चेक करेंगे। ठीक है, उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो WH में नॉर्मली WH में रहता है। ठीक है, स्क्रीन ओके, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटर वाला जो एरो है इसको एक बार एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो RMA जो आता है, रूट मीन स्क्वायर, ये आने के बाद आपको जो ऊपर वाला जो एरो है इसको क्लिक करना है। इसको प्रेस करने के बाद आपके सामने क्लियर आएगा। ठीक है, क्लियर नहीं करना है, उसके बाद ऊपर जाएंगे, ये जो सेट एक जो आ रहा है सेट, यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो एरो है इसको प्रेस कीजिए। इसको करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक व्यू, ठीक है, मैं अगर अप करता हूँ, एक एडिट आता है। ठीक है, तो फिर जो एडिट नहीं करना है, मैं देखूंगा इसके अंदर क्या क्या इसके पैरामीटर्स डाला हुआ है। तो करने के लिए मैं इसको जो व्यू आ रहा है, व्यू आने के बाद इसको ये वाला जो राइट एरो है इसको हम लोग प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एम्स जो प्राइमरी का जो एम्स है और सेट है, कितना जो रेशियो होता है ना, 60 एम्स जो प्राइमरी का 60 एम्प पे सेट है। ठीक है, प्राइमरी करंट है 60 CT का। अभी हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सेकेंडरी करंट है वो ऑन है। ज़्यादातर हम लोग का सिटी का एम रेशियो कैसा रहता है, 60:1 60:5 दो ही रेशियो में आता है, 5 या तो 1। ठीक है, यहाँ पे ऑन सेट है। फिर हम लोग नीचे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी वोल्टेज हम लोग का कितना है, 6600 वोल्टेज प्राइमरी का है हमारा वोल्टेज। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंडरी का देखते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी हम लोग का ज़्यादातर PT का सेट रहता है कि 110 ही रहता है। ठीक है, ये 110 यहाँ पे सेट है। इसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं। ठीक है, ये जो इसका जो कनेक्शन किया है ये स्टार में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे
यस मतलब जो है व्यू इसका स्टार में कनेक्शन है, इसलिए यहाँ पे स्टार आ रहा है। ठीक है, हम लोग नीचे जाते हैं। ये जो ये सब डिफॉल्ट सेटिंग में आता है 1, 2, 3। ठीक है, ये सब लोग ऐसे ही छोड़ना है। फिर नीचे जाते हैं, ये जो 3D जो है इसको डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, इसको ऐसे छोड़ना है। डिफॉल्ट सेटिंग हो गया, आते हैं फिर इसको नीचे कर रहे हैं। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, 9600 हम लोग यहाँ पे इतना ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। फिर हम नीचे जाएंगे, पैरिटी। ठीक है, पैरिटी जो है इसको ऑन रखना है। ठीक है, जो आईडी जो होता है एक ये भी कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन के लिए यहाँ से जो हम लोग DCS में जो जाता है, हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसलिए ये यूज़ होता है। ठीक है, बोर्ड जो आईडी है कैसे होता है, सीरियल में होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पैनल, ये वाला एक नंबर है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला एक नंबर है, ये वाला दो नंबर है। ठीक है, आप लोग ये नंबर भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो नंबर है। ठीक है, इसके हिसाब से ये आईडी दिया हुआ रहता है, ये हम लोग इसको दो सिलेक्ट करके रखते हैं, तो ये वाला दो है। ठीक है, अगर हम लोग नीचे फिर से जाते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग है। ठीक है, अभी देखिए ये जो ऑफलोड है, व्यू जो ऑफलोड है, हम लोग को जो WH जो वहाँ पे KW जो शो कर रहे थे ना फ्रंट पे, वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। VAH KWH ऐसे आता है ना, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को WH में चाहिए। ठीक है, KWH में चाहिए, मतलब WH में हम लोग को चाहिए, तो हम लोग इसको WH में सेट करके रखते हैं। फिर से ये पोल जो होता है, आप लोगों को पता है 4 पोल जो है। ठीक है, इसको ऐसे 4 रखते हैं, आपकी हिसाब से आप लोग रखिएगा, 3 रहता है 4 रहता है, हम लोग यहाँ पे 4 यूज़ होता है बस। ठीक है, ये भी डिफॉल्ट सेटिंग है, ये भी चेंज कर सकते हैं। ये जो ऐसे ऐसे ही छोड़ देना, इसका डिफॉल्ट सेटिंग ये वाला रहता है। फिर से हम लोग फ्रंट पे आ गए, जो प्राइमरी एम्स वाला। ठीक है, 600 है। ओके, अभी देखिए ये फ्रंट पे हम लोग फिर से आ गए। ठीक है, इसको अभी बाहर निकालने के लिए ये वाला जो एरो जो बटन है, आप लोग देख सकते बटन है, इसको हम लोग इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, ये देखिए हम लोग बाहर आ गए व्यू में। ठीक है, ये वाला एडिट पे, एडिट में जाने के बाद देखिए ये जो व्यू है व्यू में, फिर से बाहर निकालना है तो फिर इसको फिर से एक बार करना है। फिर ये सेट में देखिए आ गए हैं। सेट पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो RMS है, जो RMS में है ना, उसको सेलेक्ट करना है। तो नीचे आप करके ऐसे अप डाउन करके जो यहाँ पे सेट था ना, यहाँ पे जो सेट था, सेट को हम लोग नीचे जाएंगे RMS जो है इस यहाँ पे आके इसको जो एंटर वाला है इसको दबा देंगे। दबाने के बाद हम लोग फिर से ऐसे दबाते रहिएगा वहाँ पर, जब तक WS नहीं आएगा। देखिए ये आ गया WS, मतलब ये फोन सेट पे। अभी मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पे सीटी का रेशियो चेंज करना है, पीटी का रेशियो चेंज करना है, वो हम लोग अभी कैसे करेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल फ्रंट में ऐसे ही रहता है। ठीक है, अब ये है, अभी होने के बाद ये जो एंटर वाला है, ये वाला एरो, इसको हम लोग प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद RMS आएगा, RMS आने के बाद ये जो अप वाला जो एरो है इसको प्रेस करेंगे। प्रेस कर दिया, फिर हम लोग सेट में जाएंगे। ठीक है, सेट में आ गया, सेट में आने के बाद जो ये वाला एरो है राइट साइड वाला, इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद व्यू में आया है। ठीक है, व्यू में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे देखेंगे नहीं, अभी हम लोग को एडिट करना है, तो हम लोग को एडिटेबल ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं एडिटेबल ऑप्शन है। ठीक है, एडिटेबल ऑप्शन में आने के बाद ये राइट वाला जो एरो है, इसको आपको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। ठीक है, मैं 3 सेकंड तक प्रेस करके रखता हूँ। देखिए प्रेस हो गया, तो यहाँ पे 25 ऐसा डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, तो आप लोग को ये कॉमन वाला जो पासवर्ड है, आप लोग को यहाँ पे ऑन करना है, नीचे वाला दबा के ऊपर वाला दबा के आपको ये इसको ऑन करना है। ऑन हो गया, ऑन होने के बाद आप लोग को ये वाला जो है इसको एंटर दबाना है। एंटर दबा के ये पास हो गया। पास होने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी करंट 60 शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसको चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट वाला जो एरो है इसको दबाना पड़ेगा। देखिए दबाने के बाद यहाँ पे डिजिट ब्लिंक हो रहा है, तो अभी आप लोग चेंज करने के लिए आप लोग अप एरो, आप लोग का मतलब जितना है आप लोग यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे चेंज नहीं करना है, 60 रखना है। ठीक है, तो मैं 60 है तो मैं सेव करने के लिए ये वाला जो है इसको मैं दबाऊंगा। ठीक है, ये सेव हो गया है। अभी मान लीजिए सेकेंडरी करंट आपको चेंज करना है, ये पे ऑन है, ऑन सेम, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ब्लिंक हो गया, आपको जितना करना है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चेंज नहीं करूँगा इसलिए मैं इसको ऑन रखता हूँ। ऑन रखने के बाद इसको फिर एंटर करना है। आप लोग सेम जो वोल्टेज है इसको भी ऐसे सेम कर सकते हैं, करंट भी सेकेंडरी का वोल्टेज जो ऐसे सेम कर सकता है। ठीक है, तो मुझे अभी कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं करना है चेंजेस। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से बाहर निकलने के क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एरो है इसको हम लोग प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको सामने दिखाया ये सेव आ रहा है, अपने वाई आ रहा है, मतलब यस करने के लिए बोल रहा है। जो एंट्री है एंटर जो है इसको हम लोग प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद पास हो गया, देखिए एडिट पे फिर से आ गया है। पूरा फ्रंट में जाने के लिए फिर हम लोग ये वाला जो एरो है इसको बैक करेंगे। देखिए सेट में आ गया। ठीक है, सेट में आने के बाद आपको यहाँ से अप जाना है। अप जाने के बाद जो RMS जो है उसमें जाना है, ओवल ऑप्शन में जाना पड़ेगा।
आरएमएस जो है इसमें आने के बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद एंटर करते करते जो WS है उसको ला के छोड़ना है, बस ये रहा। ठीक है, यहाँ तक आपको छोड़ देना है। ठीक है, हमने और एक नया और एक भी वीडियो बनाया था, वो उसका जो मॉडल था स्नाइडर इलेक्ट्रिक का कंजर EM6400NG+ है। ठीक है, आप लोग अगर वो वीडियो चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग को मिल जाएगा और एंड डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक आप लोग को दे दूंगा। आप लोग का उसका भी सेम ऐसे ही पैरामीटर सेटिंग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं डिटेल में बताए हुए, तो आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आगे मिलने वाला है, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।